दीदी जी दूध के पैसे देने पूरे 10,000 रुपए। मैं किस चीज का बिल दूं? मैं तो दूध और चाय पीती ही नहीं, और वैसे भी मैं तो अपने अब्बू के जेरे कफालत हूँ। पैसे लेने हैं तो उनसे ले। तो फिर आप अपने अब्बू को भेज दें। जी फरमाएं, दूध देने हैं क्या? नहीं जी, ये दूध के पैसे लेने आए हूँ पूरे 10,000 रुपए। मैं पैसे क्यों दूं? ये तो मेरा घर ही नहीं है। किसका घर है फिर? मेरे बेटों का। मैं तो उनके यहाँ मेहमान आया हूँ। तो फिर आप अपने बेटों को भेज दें। आप भेजता हूँ। अभी क्या मसला है? साहब जी, दूध का बिल है ना पूरे 10,000 रुपए। और मैं तो अपने बड़े भाई का रहता हूँ, बिल देना तो उनसे जाके लो। तो साहब जी, आप अपने बड़े भाई को भेज दें। ओके, भेजता हूँ। ओए, क्या तकलीफ है तुम्हें? तो तकलीफ कोई नहीं है, मैं तो दूध का बिल लेने हूँ पूरे 10,000 रुपए। और मैं क्यों दूं बिल? और बिल देना तो घर के सरबरा की जिम्मेदारी है, जिनका ये घर है। तो घर का सरबरा कौन है, उसे भेज दे। और वो तो नहीं आ सकते, तुम्हें वहाँ पे जाना पड़ेगा। मैं चला जाता हूँ उनके पास। कहाँ है वो? दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। देखे जी, दूध आपने लिया, बिल आप ही देंगे, और मैं यहाँ से बिल लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अच्छा रुको, इधर ही मैं अब्बा जी को भेजता हूँ, वही तो मैं डील करते हैं। ये रहा आपका बिल। मियां साहब ये क्या है? ये कतरी खत है। बिल लेना है तो कतर में जाके उनसे लो, जिन्होंने हमें ये घर गिफ्ट किया है। क्या?